हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट सीरियल अनुपमा की कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि माया अपनी सारी चालें चलने को रेडी है कि वो कैसे भी अनुज को मुंबई से ना जाने दे और वो फिर से एक बार छोटी को अपना मोहरा बनाती है और वो छोटी से कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहे हैं तो तुम उनसे जिद करो कि हमें भी वो अपने साथ ले चले। जहां छोटी भी माया की बातों से मैनिपुलेट हो जाती है और वो अनुज के साथ चलने की बात करती है तो वहीं दोस्तों माया का प्लान फेल हो जाता है। वो छोटी को मना कर देता है और वो वहां से निकल पड़ता है अहमदाबाद के लिए। तो वहीं दोस्तों अनुज के जाते ही छोटी के सामने आएगा माया का सच और जिसके बाद छोटी करेगी माया को एक्सपोज। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, सुपर हिट टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं ये धमाकेदार ट्विस्ट जहां अनुज पहुंच चुका है अहमदाबाद अपनी अनु से मिलने के लिए, जहां उनके महामिलन में रुकावट पैदा करने के लिए विलन माया और बरखा अपनी नई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं कैसे भी उन दोनों का आमना सामना ना हो जाए और वो लोग फिर से एक ना हो पाए। अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब माया बरखा को कॉल पर अपनी प्लानिंग डिस्कस कर रही होती है तब छोटी अनु उसकी सारी बातें पीछे से सुन लेती है, जहां विलन माया बरखा से ये बोलती हुई नजर आती है कि वो नहीं चाहती है कि अनुज और अनुपमा कभी एक हो और साथ रहे एक दूसरे के। वो किसी भी हाल में अनुज को खोना नहीं चाहती है, वो अनुज को किसी भी हाल में पाके रहेगी और ये सारी बातें जब छोटी अनु सुन लेगी तो उसे बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है कि माया उसके मम्मी पापा को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से उसके मम्मी पापा अब अलग हो चुके हैं। इसके बाद अब आप सब ये देखने वाले हैं कि छोटी अब खुद से प्रॉमिस करने वाली है कि वो माया को कामयाब नहीं होने देगी। उसके गंदे इरादों में वो अपने मम्मी पापा को फिर से मिलवा के रहेगी और माया की असलियत सामने लाएगी अनुज के। तो वहीं दोस्तों शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर छोटी अपने मम्मी पापा को बताने वाली है सारी सच्चाई और असलियत माया के बारे में। तो वहीं जब माया को पता चलेगा कि छोटी को उसके गंदे इरादों के बारे में पता चल चुका है तो अब क्या करेगी माया इस बात को जानकर? क्या माया रोक पाएगी छोटी को ऐसा करने से? दोस्तों क्या लगता है आपको कि माया जीत जाएगी या हार जाएगी अपने गंदे इरादों में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।